हेलो फ्रेंड्स, केबी कॉमर्स नॉट्स में आपका स्वागत है। मेरा नाम है कृणाल और मैं आपको पढ़ाऊंगा कॉमर्स। तो सबसे पहले, आप न्यू हो तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर तो आपको वीडियो अच्छा लगे तो उसके बाद लाइक कीजिए, और बहुत ज़्यादा अच्छा लगे और आपके फ्रेंड्स को इम्पोर्टेंट हो तो उसको शेयर कीजिए। चलो, तो आज का टॉपिक हमारा है लिमिट। तो लिमिट चैप्टर पहले तो कहाँ कहाँ यूज होता है? तो दोस्तों, लिमिट चैप्टर यूज होता है सबसे पहले 11th एंड 12th कॉमर्स में। अगर आपकी GSEB बोर्ड हो, CBSE बोर्ड हो या ICSE बोर्ड हो, तीनों बोर्ड में लिमिट चैप्टर आपका आएगा। सेकंड, GPSC की एग्जाम, UPSC की एग्जाम और बहुत सारी गवर्नमेंट जॉब की एग्जाम में लिमिट चैप्टर के छोटे छोटे सम्स आते हैं। तो लिमिट चैप्टर में कितनी मेथड्स है और कितने टाइप्स के फॉर्मूला आते हैं वो आज हम सीखेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि कितने टाइप्स के लिमिट में सम्स आते। जो पहले टाइप्स के सम होते हैं वो फैक्टराइजेशन मेथड होता है। दूसरे टाइप्स के सम्स होंगे वो फॉर्मूला मेथड होगा। थर्ड टाइप के जो सम्स होंगे वो फर्स्ट प्रिंसिपल बेस पे मेथड पे सम्स होंगे। चौथे टाइप्स के होंगे वो टेबुलर मेथड होगा। फिफ्थ टाइप्स में मॉड्यूल्स एंड इंटरवल्स हो गए। सिक्स्थ में इंटरवल्स एंड नेबरहुड फाइंड करने। सेवन्थ में मॉड्यूल्स एंड नेबरहुड हो गए। और एट में हम हार्ड सम्स सॉल्व करवाएंगे। तो ये हो गया हमारा लिमिट चैप्टर में क्या क्या हम पढ़ेंगे वो। तो मैं आपको क्या करूंगा, सब वीडियो के अलग अलग पार्ट्स बना दूंगा। आज हम पहले पार्ट्स में फैक्टराइजेशन मेथड के सम्स करेंगे। तो फैक्टराइजेशन मेथड में हम सबसे पहले स्टेटिस्टिक, उसमें चैप्टर नंबर वन, चैप्टर का नाम लिमिट है, हमारा वीडियो है पार्ट वन। अब मेरे सामने यहाँ पे मेरे को एक क्वेश्चन दिख रहा है। वो क्वेश्चन है लिमिट एक्स टेंस टू वन, 3x² - 4x + 1 डिवाइड बाय x - 1। तो जैसे कि आपको दोस्तों सबसे पहले लिमिट कब लगानी है। अब लिमिट में एक्स टेंस टू वन दिया है, उसका मतलब क्या, एक्स की जगह आप वन रख सकते हो। लेकिन ये कब रखना है, जब ये जो डिनोमिनेटर दिया है वो जीरो ना हुए तब। फिर से मैं आपको क्लियर कर दे रहा हूं, ये लिमिट एक्स टेंस टू वन कब रखना है, जब ये डिनोमिनेटर जीरो ना हुए तब। ये जो डिनोमिनेटर है जीरो ना हुए तब। तो यहां रखो, एक्स की जगह क्या रख दोगे, वन। तो 1 - 1 क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इसका मतलब क्या, तो सर इसका मतलब ये है कि हम ये वाली लिमिट इधर रख सकते नहीं है। तो सर हम क्या करेंगे, तो बेटा यही तो है ये फैक्टराइजेशन मेथड। तो फैक्टराइजेशन मेथड में क्या करेंगे, हम जो न्यूमेरेटर होता है और नीचे वाला होता है वो डिनोमिनेटर होता है। तो न्यूमेरेटर को हम सॉल्व करेंगे। तो न्यूमेरेटर को सर सॉल्व कैसे करेंगे, मैं बता रहा हूं। चलो, तो लिख देंगे 3x² - 4x + 1 है। अब ऐसा क्वेश्चन है तो सबसे पहले ये 3 और ये 1 का मल्टीप्लाई करना है। तो सर 3 1 आएगा 3, और ये दूसरा क्या है सर, -4 है। अब पहले वाले में मल्टीप्लाई करके 3 लाना है और दूसरे वाले में एडिशन या सब्ट्रैक्शन करके 4 लाना है। तो कैसे लाओगे, तो सर हम यहाँ पे ऐसा लिख सकते 3 1 3, और यहाँ पे क्या लिख सकते, 3 और 1 लिख सकते। अब दोस्तों, अब यहाँ 3 और 1 तो पड़ गए पार्टीशन, लेकिन उसकी साइन क्या होगी। तो सर साइन तो बहुत सारी होती है,
जैसे कि पहले क्वार्टर में कोई होता है तो पहले क्वार्टर में लिखते हैं सर प्लस प्लस, सेकंड क्वार्टर में लिखते हैं माइनस प्लस, थर्ड क्वार्टर में लिखते हैं माइनस माइनस, फोर्थ क्वार्टर में लिखेंगे हम प्लस और माइनस। तो ये मैं इसका क्वाड्रेंट वाइज लिख रहा हूं। तो क्या लिख सकता हूं सर, हम लिख सकते हैं +3 और +1, या फिर लिख सकते हैं सेकंड क्वाड्रेंट में हो तो -3 +1, फोर्थ थर्ड क्वाड्रेंट में हो तो सर लिख सकते हैं -3 -1, फोर्थ क्वाड्रेंट में हम सर लिख सकते हैं +3 -1। अब सबका आंसर निकालो तो इसका आंसर आएगा क्या आएगा, 3 + 1 यानी क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इसका आंसर निकालो -3 और +1 तो क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। इसका आंसर निकालो तो क्या हो जाएगा, -3 और 1 -4 होगा। +3 -1 यानी क्या हो जाएगा, 2 हो जाए। तो हमारे पार्टीशन क्या पड़ गए सर, ये वाला आंसर हमारा सही है। तो हमारा पार्टीशन क्या पड़ गए, तो बोलेंगे सर हमारे पार्टीशन पड़े -3 और -1। तो ये यहाँ पे लिखेंगे -3 और -1, यहाँ भी हम कर सकते हैं -3 और यहाँ -1। तो ये वाला क्वेश्चन मैं आपको करवाता हूं। अब सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे लिख देना है लिमिट x→1, उसमें क्या लिख देंगे ये वाले का 3x² -4x +1 और यहाँ x-1। क्वेश्चन मैंने उतार दिया पहले। अब ये जो न्यूमिरेटर है उसे मैं नाम दे देता हूं nx, nx को हमको सॉल्व करना है। ns को हमको क्या करना है डियर, सॉल्व करना है। तो हम लिख दिया 3x² -4x +1। अब हमने पार्टीशन क्या करे थे, तो सर हमने पार्टीशन -4 के किए थे -3 और -1। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा -3, x बाजू में कोएफिशिएंट है तो लिख दिया -1 और x +1 का +1। चेक कर लो फिर से -4, तो -4 का पार्टीशन क्या किया था, -3 और -1, तो हमने -3x और -1x लिख दिया। अब ये दोनों में से कॉमन क्या निकलेगा, तो सर कॉमन निकलेगा 3x, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा x-1। यहाँ पे कॉमन क्या निकलेगा सर, -1। ओके डियर, बाहर -1 हो तो ब्रैकेट के अंदर आएगा x और ब्रैकेट के अंदर साइन चेंज हो जाएगी। बाहर माइनस हो तो ब्रैकेट के अंदर की साइन क्या हो जाएगी, चेंज। अब इधर का इधर 3x का क्या लिख देंगे, 3x -1 का -1। ये दो बार ब्रैकेट है तो कितनी बार लिख देंगे, 1 टाइम, तो x माइनस क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब मैं क्या करूंगा, अब सर सिंपल लिमिट x→ क्या लिख देंगे 1, और वो ये ऊपर वाला है 3x² -4x +1 डिवाइड बाय क्या है, x-1। अब इसको सॉल्व करना है, सेम लिमिट x→1, 3x² की जगह क्या लिखेंगे, तो सर 3x² का हमने पार्टीशन किया 3x-1 और x-1, तो लिखो 3x-1 और दूसरा क्या लिख देंगे, x-1। नीचे क्या लिखेंगे, x-1, x-1 क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। अब यहां क्या लिखेंगे, तो सर बचा लिमिट x→1, यहाँ क्या बच गया 3x-1। तो x→1 यानी x की जगह क्या पुट करना है, 1 पुट करना है, तो 3 का 3 x की जगह क्या पुट करेंगे, 1 पुट करेंगे। -1 का क्या लिख देंगे, -1, तो आंसर 3 1 का क्या हो गया, 3-1। 3-1 यानी आंसर क्या आ जाएगा सर, हमारा आंसर आ जाएगा 2।
तो ये था फैक्टराइजेशन का पहला सम। कैसा लगा आपको? मेरे को कमेंट में जरूर बताना पहला सम। अब हम फैक्टराइजेशन का दूसरा सम करते। तो दूसरा सम कैसा है वो दोस्तों देखते हैं। तो चलो मेरे दोस्त दूसरा सम देखते हैं हम। दूसरे सम्स में भी सेम है, लिमिट एक्स टेंस टू थ्री दिया है यहाँ पे, एक्स माइनस थ्री यहाँ पे है, यहाँ पे 2x² - 3x - 9 दिया है। तो देखो सबसे पहले यहाँ पे x^3 पुट करोगे तो ये जो डिनोमिनेटर होगा वो क्या हो जाएगा, जीरो होगा। तो सबसे पहले जैसे कि सर आपने सिखाया था वैसे ही हम लोग तो क्या करते, सवाल करते। तो मैंने क्या सिखाया था, देखो ये वाले पार्ट में यही का फैक्टराइजेशन करना है। इस वाले क्वेश्चन में हमने क्या किया था, न्यूमेरेटर का फैक्टराइजेशन किया था। ये वाले में क्या करेंगे, हम डिनोमिनेटर का फैक्टराइजेशन करेंगे। तो डिनोमिनेटर का फैक्टराइजेशन सर कर देते 2x² - 3x - 9। मैंने क्या बोला था, फर्स्ट वाला लेना है, और कौन सा लेना है, लास्ट वाले लेना है। 2 9 क्या हो जाएगा सर, 2 9 होगा 18। क्या होगा 18, और यहाँ मल्टीप्लाई माइनस क्या लाना है, 3 लाना है। तो 18 के मल्टीप्लाई करके ऐसे पार्ट्स करो कि आंसर 18 आए, और ऐसे दो का फाइंड करो फैक्टर जो प्लस या फिर माइनस करके क्या लाए, 3 आए। अब इसकी भी मेथड है, सबसे पहले मैं सोचूंगा, क्या सोचूंगा कि ये 18 कौन से टेबल में आते। तो सर 18 आते 2 9 6 3 इसमें आते, तो ये 2 - 9 7 आएंगे, 3 आएंगे नहीं, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, रॉन्ग हो जाएंगे। इसलिए हम क्या लेंगे, 6 और 3। तो मैं यहाँ पे लेता हूँ 6 और मल्टीप्लाई 3। अब यहाँ पे आंसर क्या लेना है, -3। पहले फैक्टर कर दो 6 और 3। फिर मैंने बताया था ऐसे, पहले प्लस प्लस, फिर माइनस प्लस, फिर माइनस माइनस और प्लस माइनस। आप डायरेक्ट भी इसकी साइन कर सकते हो, 6 और 3, 6 और 3, 6 और 3, 6 और 3, 6 और 3। प्लस प्लस यानी क्या हो जाएगा बेटा, प्लस प्लस सर प्लस, 6 और 3 9। माइनस और प्लस, माइनस और प्लस सर माइनस, 6 में से 3 जाएगा तो कितना बच जाएगा, 3। लेकिन बड़ा कौन है ये दोनों में से, सर बड़ा 6 है, तो लार्जेस्ट नंबर की क्या आएगी, साइन। तो इसका आंसर आएगा -3। माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 6 और 3 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, लार्जेस्ट नंबर की साइन। यहां भी प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। 6 - 3 यानी क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। लेकिन यहां साइन कौन सी आएगी बेटा, प्लस आएगी। क्यों प्लस आई, क्योंकि 6 प्लस है, लार्जेस्ट नंबर क्या है, प्लस है। अब मेरे को बताओ हमको 9 चाहिए था, नहीं सर। -9 चाहिए था, नहीं सर। 3 चाहिए था, नहीं सर। तो क्या चाहिए था, -3। तो हमारे फैक्टर क्या बढ़ गए, -6 + 3। कुछ लोग बोलेंगे सर ये बहुत बेसिक करवा रहे हो आप, लेकिन इसी में गलती पड़ती है बेटा आपकी, -6 और -3। अरे सॉरी, -6 और क्या है, +3। तो यहाँ के क्या कर देंगे, -6 और +3। यहाँ भी क्या करना पड़ेगा, -6, और यहाँ ऑलवेजली पीछे वाले की साइन। अब हम इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे सर, और क्या कर सकते हैं। तो कर देते, सबसे पहले यहाँ क्या लिखेंगे, तो सर सबसे पहले लिखेंगे लिमिट x→3, फिर क्या लिखेंगे, क्वेश्चन x - 3 2x² - 3x - क्या हो जाएगा, 9। ये डिनोमिनेटर है इसलिए मैं इसको लिख रहा हूं dx। उसको सॉल्व कैसे करना है, 2x² - 3x - क्या हो जाएगा, 9। 2x² का तो हम 2x² लिखेंगे,
माइनस थ्री एक्स की जगह क्या लिखना है बेटा, माइनस थ्री की जगह माइनस सिक्स और प्लस थ्री, तो माइनस सिक्स एक्स, एक्स है ही कोफिशियंट। अब यहाँ वाई हो तो वाई लगा सकते हो, जेड हो तो जेड लगा सकते हो, के हो तो के लगा सकते हो। प्लस क्या हो जाएगा, थ्री एक्स, माइनस क्या हो जाएगा, नाइन। फर्स्ट टू और लास्ट टू, फर्स्ट टू में से कॉमन क्या निकलेगा सर, फर्स्ट टू में से कॉमन निकलेगा टू, देखो टू दोनों में कॉमन है और दूसरा कौन सा है, एक्स, तो अंदर क्या बच गया आएगा, एक्स माइनस थ्री। यहाँ क्या कॉमन निकलेगा, थ्री सर, तो अंदर क्या बच जाएगा, एक्स माइनस थ्री। तो ये दोनों में टू एक्स प्लस थ्री कितने टाइम्स लिख दो, वन टाइम, और एक्स माइनस थ्री कितने टाइम्स लिख दो, वन टाइम। तो आंसर क्या, ये आ गया हमारा। अब फिर से हम क्या करेंगे, ऊपर वाला लिखेंगे। हाँ तो अब हम क्या करेंगे, हमारा फैक्टराइजेशन आ गया, तो फैक्टराइजेशन आ गया, उसके बाद हम क्या लिखेंगे, लिमिट एक्स टेंस टू थ्री। क्वेश्चन लिख दो पहले, एक्स माइनस थ्री डिवाइड में क्या लिख देंगे, टू एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स माइनस नाइन। लिमिट एक्स टेंस टू थ्री का क्या हो जाएगा, लिमिट एक्स टेंस टू थ्री। इसका x माइनस थ्री का आंसर क्या है, x माइनस थ्री ही आएगा भाई, और क्या होगा। नीचे टू एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स माइनस नाइन, उसका आंसर क्या है, टू एक्स प्लस थ्री, और इधर क्या है, x माइनस थ्री। तो x माइनस थ्री क्या हो जाएगा, कैंसल आउट। अब यहां क्या बचा, लिमिट x टेंस टू थ्री, और ऊपर कुछ नहीं यानी वन डिवाइड में टू एक्स प्लस थ्री। अब हम क्या कर देंगे, ये लिमिट का आंसर यहां रख देंगे। तो लिमिट पहले एक बार मैं लिख देता हूं, एक्स टेंस टू थ्री वन अपॉन टू एक्स प्लस थ्री। एक्स की जगह हम क्या रख सकते हैं, एक्स की जगह हम रख सकते हैं सर थ्री, तो यहां हम रख देंगे थ्री प्लस थ्री का थ्री। वन का क्या हो जाएगा, वन, टू थ्री का क्या हो जाएगा, सिक्स, प्लस क्या हो जाएगा, थ्री। सिक्स प्लस थ्री यानी क्या हो जाएगा, नाइन। तो आंसर क्या आ गया, वन अपॉन नाइन, ये हमारा क्या हो गया आंसर। अब हम क्वेश्चन नंबर थ्री करते हैं। अब हम क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर थ्री। क्वेश्चन नंबर थ्री में देखो, ऊपर भी और नीचे भी दोनों जगह क्या करना पड़ेगा, फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो हम दोनों जगह फॉर्मूला लगाएंगे, और ये थोड़ा सा हार्ड भी है बेटा। तो मैं क्या करूंगा, मैं ये करूंगा सर, सबसे पहले हम अब थोड़ा सा डायरेक्ट करते हैं। कैसे, ये इसको क्या बोल देंगे, न्यूमरेटर एक्स, इसका क्या हो जाएगा, टू एक्स स्क्वायर सर, दूसरा क्या हो जाएगा, प्लस फाइव एक्स माइनस थ्री। सर क्या करना है, ये टू और ये थ्री, दोनों का क्या करना है, मल्टीप्लाई, तो टू थ्री जा सर हो जाएगा सिक्स, और ये क्या हो गया सर, प्लस फाइव, यानी मल्टीप्लाई करके माइनस सिक्स लाना है, एडिशन करके फाइव, बहुत इजी है। मल्टीप्लाई करके क्या लाना है, सिक्स, तो सिक्स वन जा सिक्स, एडिशन करके फाइव, यानी सिक्स और वन। अब देखो मैं आपको शॉर्टकट बताता हूं, यहां माइनस हो ना तो ऑलवियसली माइनस करके फाइव लाना है, तो सिक्स माइनस वन हो जाएगा सिंपल बेटा, और यहां माइनस हो तो यहां भी क्या हो जाएगा, माइनस वन। तो सिक्स माइनस वन यानी फाइव, सिक्स माइनस वन यानी क्या हो जाएगा, माइनस सिक्स, दोनों का मल्टीप्लाई। ये हमारा फैक्टराइजेशन हो गया। अब ये क्या है सर बला, तो ये सर फैक्टराइजेशन का फॉर्मूला है, कौन सा वाला, तो सर ये वाला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर का फॉर्मूला क्या होता था सर, ए माइनस बी, और दूसरा होता था सर ए प्लस बी। किसका फॉर्मूला होता था, ए माइनस बी, और दूसरा होता था ए प्लस बी, उसका फॉर्मूला है, वो हम सॉल्व करेंगे। तो पहले मैं न्यूमेरेटर को एन एक्स लिख रहा हूं और उसको सॉल्व कर रहा हूं, क्या है, टू एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स माइनस थ्री। सबसे पहले टू एक्स स्क्वायर का टू एक्स स्क्वायर,
5x की जगह क्या लिखना है, 6 और 1, तो 6x माइनस 1x, माइनस 3 का माइनस 3, ये दोनों में कॉमन। सर ये दोनों में से 2x कॉमन, अंदर बच जाएगा सर x प्लस 3, ये दोनों में से माइनस 1 कॉमन, अंदर बच जाएगा सर x प्लस 3। मैंने बताया माइनस 1 बाहर कॉमन निकालोगे तो अंदर की साइन क्या हो जाएगी, चेंज। अब x प्लस 3 कितने टाइम्स लिखना है सर, 1 टाइम्स। आप ये पहले भी लिख सकते हो, बाद में भी लिख सकते हो। और 2x माइनस 1 भी कितने टाइम्स लिखना है, 1 टाइम्स। अब तो सर इसमें डिनोमिनेटर को भी चेंज करना है, तो सर बेटा dx भी लिख दो, उसमें क्या करना है, तो बोले सर 4x² माइनस 1 है। अब 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है, तो सर 4 का स्क्वायर रूट होता है 2x, उसका स्क्वायर कर दो, माइनस 1 का भी क्या कर दो, स्क्वायर कर दो। अब ये हो गया a और ये हो गया b, तो देखो a का स्क्वायर और b का स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो उसका आंसर आता है a माइनस b और a प्लस b। तो क्या लिखना है, एक बार a माइनस b और सर एक बार ए प्लस बी। ये हो गया दोनों का फैक्टराइजेशन। पहले सम में पढ़ा हमने ऊपर न्यूमरेटर का फैक्टराइजेशन, दूसरे सम में डिनोमिनेटर, इसमें दोनों का फैक्टराइजेशन आया। तो हम इसको क्या लिखेंगे, हम लिमिट एक्स टेंस टू 1/2y पूरा का पूरा 2x² प्लस 5x माइनस 3, डिवाइड में लिखना है 4x² माइनस 1। और न्यूमरेटर का आंसर हमारा क्या आया, तो सर लिमिट x टेंस टू 1/2, न्यूमरेटर का आंसर आया सर ये रहा x प्लस 3, दूसरा क्या है 2x माइनस 1। और यहां डिनोमिनेटर का आंसर क्या आया, 4x² माइनस 1, तो उसका क्या लिख देंगे, 2x माइनस 1, और दूसरा क्या आएगा 2x प्लस 1। तो 2x माइनस 1, 2x माइनस 1 क्या हो गया, कैंसल आउट। तो सर बचा क्या, जो बचा वो लिख दो भाई, लिमिट x टेंस टू 1/2 x प्लस 3, डिवाइड में सर क्या बचा 2x प्लस 1। अब इसको सॉल्व करेंगे हम। अब देखो x की जगह 1/2 रखेंगे तो ऊपर सर हो जाएगा 1/2 प्लस 3, नीचे हो जाएगा सर 2 × 1/2 प्लस 1, तो ये 2 2 तो क्या हो सकते हैं, कैंसल। यहां देखो बेटा 2 डिनोमिनेटर में, तो यहां भी कुछ नहीं तो 1 हो सकता है, यहां मल्टीप्लाई 2 से करना पड़ेगा, यहां भी किससे करना पड़ेगा, 2 से। इसे बोलते एलसीएम, क्या बोलते हैं, एलसीएम लिया हमने, तो 3 2 जा क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, तो 1 + 3 2 जा 6, और यहां 2 1 जा क्या हो जाएगा, 2। डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा, 1 + 1, 1 + 6 यानी क्या हो जाएगा, 7, डिवाइड बाय 2, और 1 + 1 यानी भी क्या हो जाएगा, 2। एक और बिल्डिंग और, ये 2 वाला कहां जाएगा, नीचे, तो 1 + 6 यानी 7, ये 2 कहां आ जाएगा, यहां पे आ जाएगा, तो 7 2 × 2 क्या हो जाएगा, 2 × 2, तो आंसर हमारा हो जाएगा 7/4, क्या हो जाएगा बेटा, 7/4 हो जाएगा। एक बार फिर से मैं इसको समझा देता हूं, थोड़ा जटिल क्वेश्चन, कॉम्प्लेक्स था। ऊपर वाले और नीचे वाले दोनों का हमको क्या करना है, पूरा का पूरा फैक्टराइजेशन। ऊपर वाले में सिंपली फैक्टर करना है -6 और +5। -6 का हमने 6 1 जा कर दिया, 6 - 1 वो फैक्टर इधर रख दिया, ये -6 और -1। फिर ये दोनों में से हमने कॉमन निकाला 2x, ये दोनों में से कुछ नहीं यानी -1, x प्लस 3 2 1 टाइम्स लिख दिया, 2x माइनस 1 1 टाइम्स लिख दिया,
फिर ये वाले में फॉर्मूला था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो उसका आंसर आता है ए माइनस बी और ए प्लस बी, तो आंसर क्या लिखा 4x² - 1, तो उसका स्क्वायर रूट निकाला 2x² - 1 का स्क्वायर, 2x - 1 और 2x+1, लिमिट एक्सटेंड्स टू क्या हो गया 1/2। ये क्वेश्चन था, मैंने क्वेश्चन लिख दिया, ये न्यूमरेटर का एनएक्स उसका हमने ये यहां से आंसर लिखा, डिनोमिनेटर का डीएक्स उसका हमने वहां से आंसर लिखा, 2x-1 2x-1 कट किए, x+3 2x+1, एक्स की जगह हमको क्या रखना है 1/2, तो मैंने 1/2 रखा, यहाँ एलसीएम लेना पड़ेगा, तो 2 3 जा क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, डिनोमिनेटर में क्या हो गया 2 हो गया, यहाँ 2 2 क्या हो जाएंगे कैंसल हो जाएंगे, 1+1 बचेगा, तो यहाँ 1+6 क्या हो गया 7, 2 का क्या लिखा 2, 1+1 भी क्या हो गया 2, और यहाँ 7 का 7, 2 मल्टीप्लाई 2, क्योंकि ये डिनोमिनेटर था इसलिए कहाँ जाएगा डिनोमिनेटर में जाएगा, तो 2+2 क्या हो गया 4, तो ये हमारा 7/4 हो गया। आज का आपका होमवर्क है ये रहा, मैं लास्ट में होमवर्क का पिक भी रख दूंगा, ये रहा आपका होमवर्क। लास्ट में जाते वक्त आप सब स्टूडेंट्स को बोलूंगा कि सब स्टूडेंट्स ध्यान से, जो पार्ट्स में पहला क्वेश्चन में नहीं आया, मेरी स्पीड ज्यादा है कम है, कोई भी आप रिव्यू देना चाहते हो तो आप कमेंट बॉक्स में मेरे को आराम से रिव्यू दे सकते हो। आपको कोई और चैप्टर नहीं आता है, जैसे कि डिफरेंशिएशन है, और भी चैप्टर है स्टेटिस्टिक के, अकाउंट के, या कोई और चैप्टर, तो आप मेरे को कमेंट्स में बता सकते हो। आपको वीडियो अच्छा लगा तो हमारी चैनल केबी कॉमर्स नोट्स को क्या कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और हमारा वीडियो शेयर कीजिए। चलो तब तक के लिए बाय। मैं आपको अब पार्ट 2 कॉमर्स नोट्स और लिमिट्स पार्ट 2 का नेक्स्ट, जब भी मेरे को टाइम मिलेगा तब पार्ट 2 आपके समक्ष या फिर आपके साथ लेके आऊंगा। तब तक के लिए बाय दोस्तों, एंड सेफ एंड गुड बाय।